countdown. Page number 12. स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिस डेट पर हम काम कर रहे होंगे तो इधर डेट मेंशन करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. WRIT राइट, BIGGER बिगर, ANDN SMALLER स्मॉलर. राइट करना है मतलब लिखना है बिगर एंड स्मॉलर, ये एम्प्टी बॉक्स है इनके अंदर. ठीक है, ये एम्प्टी बॉक्स है, इनके अंदर लिखना है बिगर एंड स्मॉलर. वन हैज बीन डन ऑफ यू मतलब एक आपके लिए डन किया हुआ है. यहाँ पर स्टूडेंट जैसे कि हम आते हैं एक, यहाँ पर देखेंगे हेलीकॉप्टर है और यहाँ एरोप्लेन है. तो स्टूडेंट हमने इधर डिफ्रेंशिएट किया मतलब कि हमने इधर देखा कि हेलीकॉप्टर जो है वो स्मॉलर है, तो हमने इधर क्या लिखा स्मॉलर. और हमने यहाँ पर देखा एरोप्लेन बिग है, तो हमने इसमें देखा ये बिगर है, तो हमने इधर लिख दिया बिगर. तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसी बी में आते हैं. बी में क्या है, एक हॉट एयर बैलून है और इसके अलावा इधर हमारे पास एक और स्मॉल बैलून है. ठीक है, ये दोनों बैलून में जब हमने डिफ्रेंशिएट किया इनको मतलब देखा कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो हमने इधर देखा ये बड़ा है तो हमने इधर लिखा बिगर, BIGGER बिगर. इसी तरीके से मैंने यहाँ पर देखा ये बैलून है, ये स्मॉल है हेलीकॉप्टर की तरह, तो हमने इधर क्या लिखा स्मॉलर, SMALLER स्मॉलर. स्टूडेंट क्या यहाँ पर एक हॉट एयर बैलून था और इधर बैलून था, हमने देखा हॉट एयर बैलून बिग है, इसके अलावा जो बैलून है वो स्मॉल है, तो हमने क्या बताया इसको हमने बिगर कहा. ठीक है, इसके अलावा ये जो छोटा था हमने उसको स्मॉलर कहा. इसी तरीके से यहाँ पर सी बी ए सी है, इधर रैबिट दिया गया, एलिफेंट है, इनमें डिफ्रेंशिएट बताना. इसी तरीके से डी है, तो स्टूडेंट आपका ये सी डी आप खुद कीजिएगा. ठीक है स्टूडेंट, हमारा पेज नंबर जो है 1 to 12 कंप्लीट हो चुका है.